सब तो सब लोग बैठे खाने के लिए, और ये पूड़ियाँ थी रात की पूड़ियाँ और रात की ये छोले थे, तो बच गया था। तो आज ये आप लोग भी खाने के लिए, ये बनाई थी आम की चटनी और ये है सलाद। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। पांडे जी वैसे शूट कर रहे हैं, ये पांडे जी का प्लेट इधर दिख रहा है। हाय कर दो, करे हाय कर दो, आज मैं करूँ। कच्चा आम बहुत मिस की इस बार, तो अभी तक बहुत बार नहीं आया। आम और सुजीना, सुजीना वो जो ड्रम स्टिक बोलते हैं ना, सहजन भी बोलते हैं हम लोग गांव में ना, उसको सहजन बोलते हैं, सहजन सुजीना ऐसे बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में तो ड्रम स्टिक बोलते हैं। वो बहुत खाते थे हम लोग, बहुत पसंद, इस सीजन में बहुत ज्यादातर बनता था। मैं अभी तो सीजन है तोरी लौकी इन सब का, लेकिन फिर भी हमें अच्छी सब्जी मिल रही है, सूखी सूखी सब्जी, बहुत सूखा सब्जी, एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई बचा कुचा सब्जी नहीं होता है, ऐसे ला ला के देता है। चलो ठीक है, चटनी वाकई में बहुत टेस्टी बनता है आम का, और थोड़ा सा चीनी डाल दें और जीरा तो बहुत अच्छा बन जाता है। मैं मीठा डाल के बनाती हूँ, चीनी डाल के ज़्यादातर। आपके घर में कैसे बनता है पानी? मेरे घर में तो नॉर्मल बनता है, खट्टा हो चीनी वाला तो मैंने, ये मेरे पापा खाते हैं ज़्यादातर, मीठा डाल के बहुत टेस्टी बनता है। खट्टा मीठा का टेस्ट आ जाता है। मैं बताऊँ कैसे बनाने हैं? आम ले लीजिए, उसमें नमक डाल लीजिए स्वाद अनुसार, मिर्ची अपने अनुसार, भुना हुआ जीरा और उसमें से चीनी ऐड कर दीजिए। आजकल पता है मैं क्या करती हूँ, दाल में आलू डाल देती हूँ और रोज प्याज फ्राई करके डाल दूँ उसमें, अच्छा लगता है खाने में। आपको अच्छा लगता है? Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together. बारह बजे रात हो गए थे और पूरा 10 बज गया था रात के, और पता है 12 बज गए थे रात में। हाँ, फिर मैं मम्मा ने फिर एक एक करके जो भी अलमारी में पहले की चिड़िया थे ना, उसको खोल के हाथ में चेक किया कि वो उन पे कैसा लगता है न्यू न्यू चिड़िया, और पता है हमें ना एक अच्छा सा लाइट मिल गया जो हम पहले यूज करते थे, उसमें अभी भी पावर है, वो बनाए थे और पूरा 10 बज गया रात, उससे भी ज्यादा घड़े घूमते गए। मम्मा ने क्या सफाई किया, बहुत सारी सफाई किया मम्मा ने। हाँ, तो खाना पीना हो गया हमारा। मैं बोल रही थी क्या वीडियो शूट मैं डेली क्यों नहीं कर पाती हूँ, पता है एक तो बहुत ज़्यादा काम होता है, थक जाती हूँ, और ऊपर से मेरी जो हेल्थ प्रॉब्लम है ना, वो मेरी बहुत ज़्यादा रहती है, इस वजह से मैं भी वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। फिर भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, वीडियो शूट करना मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आप लोगों का कमेंट जब आता है तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
ये वजह हो जाती है जो मैं डेली डेली नहीं कर पाती हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं वो हमें बोलते हैं कि आप वीडियो डेली किया करो, नहीं कर, लेकिन यही सबसे बड़ी वजह है जो मैं कर नहीं पाती हूँ। और मैं दिखा भी रही थी, मैंने जैसे भी आप लोगों को बताया था जो विटामिन 12 वगैरह का कमी था, और क्या कम था पांडे जी? विटामिन डी कम था, विटामिन 12 की कमी थी, ये दो चीज़ें चल रही थी हमारी। और काफ़ी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेरा था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो पता ही होगा शायद जो पिछले की वीडियो हमारे लोग देखते हैं उन्हें तो पता होगा। तो ये दो चीज़ें मेरी कमी थी, इस वजह से डॉक्टर से मैं दिखा रही थी, शायद आप लोगों को भी पता होगा। मैंने दिखाया एक बार दो बार तो मैं गई शायद, उसके बाद फिर देख ही रहे हैं क्या हालत हो रही है बाहर। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी जाने में डर लगता है कि कैसे जाएं बाहर दिखाएं। और ये हो जाती है मेरी सबसे बड़ी वजह, जो मैं थोड़ा सा काम करूँगी ना मैं थक जाऊँगी, मेरे पूरे पैर में दर्द हो जाता है, थोड़ा सा काम करूँगी थक जाऊँगी, ऐसा लगेगा कि मैं बहुत काम कर ली हूँ, बहुत ज़्यादा काम कर ली हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो जाती है। और इसमें मैं क्या कहूँ पांडे जी की, पांडे जी को जितनी बार भी थैंक यू कहो उतना कम है, ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं, पांडे जी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और इसके पहले भी हमारे पास एक तो कुछ कमेंट आए थे कि आप हाउस हेल्पर क्यों रखते हो, आप लोग ज़्यादा तो काम है नहीं, एक दो लोग रहते हो, यही कारण है जो मैं हाउस हेल्पर भी रखती हूँ। किसी के पास टाइम नहीं होता इस वजह से वो रखते हैं, किसी की तो कोई तो शौक से भी रखते हैं, किसी की मजबूरियां होती है इसलिए वो रखते हैं। कुछ लोगों ने हमें इस पे मजाक भी, हमारे अपनों ने हमारे मजाक भी बनाया था, हमारे अपनों ने ही बनाया है, हम ये चीज़ जानते हैं। तो हम हाउस हेल्पर यदि हम रखते हैं तो हमारी बहुत बड़ी वजह है, इस वजह से हम रखते हैं। हमारे हो सकता है हमें कुछ प्रॉब्लम है जो आप नहीं जान रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं हम अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं, हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो बड़ी वजह जो आप लोगों को शायद वो चीज़ें अंदर की बातें, अंदर की बातें तो पता नहीं होता है ना, अंदर में क्या चल रहा है लोगों का, वो परेशानी वो नहीं समझ सकते हैं कि अंदर क्या है, क्या दिक्कत है, क्यों रखा है, नहीं रखा है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये भी सबसे बड़ी मेरी वजह है जो मैं डेली वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। अभी भी मेरी दवाइयाँ अभी भी चल रही है, मेरी मेडिसिन अभी भी चल रही है, अभी मुझे दिखाना भी था, अभी मैं दिखाने जाती हूँ, लेकिन इस हाल में मैं तो अभी नहीं जाऊँगी, और आगे भी मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे रुकना ही पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि ये था थोड़ी सी बातचीत आप लोगों से, मैं सोची चलो मैं बता दूँ कि मैं डेली ब्लॉग क्यों नहीं शूट कर पाती हूँ, क्या वजह है। और जब आप थक जाओगे ना कोई भी काम करो, क्या होता है ना जो थोड़ा सा मैं काम करती हूँ मैं थक जाती हूँ, और बहुत तेज थक जाती हूँ मैं, इतनी मैं थक जाऊँगी लगता है मैंने कितना काम किया, और इतना ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। जब बच्चे जब स्कूल में जाते थे तो मैं पर डे उठती थी, ऐसा नहीं था उठती थी मैं लंच बनाने उठती थी, लेकिन ऐसा लगता था हो क्या गया मुझे, मैं बड़ी मुश्किल होती थी मुझे उठने में। और मैंने ऐसे अपने आप को ना मैं बहुत ज़्यादा मैं चलाने की कोशिश बहुत करती हूँ, एक्सरसाइज अभी भी करती हूँ मैं आपको, यदि मैं केयर करना शुरू ज़्यादा यदि मैं क्या होता है ना ज़्यादा यदि एक्सरसाइज भी करूँगी ना तो मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मेरी परेशानी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करती हूँ। और एक खुशी की बात भी बताती हूँ मैं, इतनी सारी सैड वाली बातें तो हमने की, बहुत सारी बातें की, खुशी की बात भी मैं बताती हूँ। क्या आज कल आपने देखा एक वीडियोस में बहुत सारे यूट्यूबर थे, बहुत मुझे अच्छा लगा कल का वीडियो किसी ने डाला था, एक हमारी फ्रेंड है, फ्रेंड ही कहूँगी, फ्रेंड कहूँ सिस्टर कहूँ जो भी है, अच्छा लगा उसमें किरण मैम का भी था, तो अच्छा लगा सबके साथ, उसमें मेरा भी वीडियो था, किरण मैम तो जानते होंगे आप लोग बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, सबके साथ मेरा भी वीडियो था तो मुझे भी अच्छा लगा, अच्छी वाली फील आ रही थी, तो मुझे लगा क्या करना चाहिए, ब्लॉग करना चाहिए, और अच्छा लगता है सबसे मिल लो जुल लो, इतने सारे लोग आपके रोज़ वीडियोस देखते हैं। पांडे जी बताएंगे ना कि तुम्हारा वीडियो 10,000 लोग देख रहे हैं, 12,000 लोग देख रहे हैं, 13,000 लोग देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यार कि अच्छा लगता है ना, इतने सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं, इतनी सारी फ्रेंड बन जाती हैं, तो मुझे तो पता नहीं क्यों अंदर से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। फैमिली वाले तो देखते ही हैं, वो भी देखते हैं,
और मिलती हूँ मैं आपसे अब बाद में। बाय। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो आप लोग, ठीक है? बाय।